इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स रिसोर्स डिप्लीशन फर्स्ट देंट द नेचुरल रिसोर्स एंड डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स स्टूडेंट सबसे पहले अगर हम बात करें एकोलॉजिकल इशूज जो हैंजिकल प्रॉब्लम्स दे आर थ्री मेनली देर थ्री इकोलॉजिकल प्रॉब्लम ह्यूमन पॉपुलेशन इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एंड द डिप्लीशन आर शॉर्टेज ऑफ द रिसोर्स फर्स्ट वील टाक वट आर द नेचुरल रिसोर्स तो नेचुरल रिसोर्स आर ऑल टाइप ऑफ थिंग्स प्रेजेंट इन नेचुरल इन्वायरमेंट विच कैन बी यूटिलाइज बाई ह्यूमेन फॉर इट्स बेनिफिट्स कि इन्वायरमेंट के अंदर जो भी चीज़ मौजूद है और ह्यूमेन को अपने बेनिफिट्स के लिए यूज़ करता है दैट इज एक्चुअली द नेचुरल रिसोर्स तो इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स अगर हम बात करें दे आर दिल फ्यूल्स दैन दे आर द मिनरल्स दैन इट इज़ द एयर It is the water, it is the land and the biodiversity. So fossil fuels, gas, natural gas is there, then the coal is there, and the petroleum is there. Minerals, minerals mean different types of metals and non-metals, which we are getting from the soil as a phosphorus, iron, copper, gold, and silver. Similarly, in a water, you are already familiar. So how these resources are going to deplete? ये रिसोर्स के डिप्लीट होने की जो ये मेजर इशू है अगर हम सिंपली देखें मोस्ट ऑफ रिसोर्स दे आर प्रेजेंट इन आ लिमिटेड अमाउंट इन आवर लैंड कि हमारी अर्थ के ऊपर ये एक लिमिटेड अमाउंट के में मौजूद हैं तो व्हेन दे आर ओवर एक्सप्लाइटेड जब ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ेगी तो रिसोर्सेज जो उनकी ओवर एक्सप्लाटेशन होगी तो ओवर एक्सप्लाटेशन से अल्टीमेटली ये जो वो डिप्लीट होना डिप्लीट मतलब कम होना शुरू हो जाएंगे और एक स्टेज ये आएगी कि ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे रिसोर्स डिप्लेशन में जो मेजर काज है दट इज ह्यूमन बीइंग ह्यूमन पॉपुलेशन इट है कि इंक्रीजिंग ह्यूमन पॉपुलेशन इट एक्चुअली रिड्यूसिंग द रिसोर्स रिसोर्स उनको से क्या कर रहा है इसको डिक्रीज कर रहा है उनको डिक्रीज जी इंक्रीज पॉपुलेशन के साथ साथ सेकेंड फैक्टर इंपॉर्टेंट फैक्टर इज द बेटर लाइफ कि अगर पॉपुलेशन जो है वो एक खास पीठ से तो बढ़ ही रही है इसके साथ साथ ह्यूमन नीड्स जो हैं वो जो बढ़ती जा रही है चूँकि लाइफ के अंदर सिंपलिसिटी के बजाय हम ज़्यादा कम्फर्टेबल क्या वो कम्फर्ट की तरफ जा रहे हैं तो मीन्स जो ह्यूमन है उसकी एवरेज रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं तो जब रिक्वायरमेंट्स बढ़ेंगी तो अल्टीमेटली रिक्वायरमेंट्स को फिर इन्वायरमेंट से पूरा किया जाएगा और इन्वायरमेंट इसका जो है वो सफ़र करेगा अब इसके सिंपल सी बात अगर हम मैं देखें कि बेटर लाइफ स्टाइल में अगर हम जैसे समर है समर के अंदर हम मैक्सिमम जो है ए सी यूज़ करते हैं इस तरह से करते हैं तो या फिर इसके बाद जो ज़्यादातर जो है वो गाड़ियों के अंदर अगर हम देखते हैं तो हम एयर कंडीशन वगैरह यूज़ करते हैं तो एयर कंडीशन का यूज़ करने से क्या हो रहा है कि अल्टीमेटली जो एनर्जी है उसकी यूटिलाइजेशन ज़्यादा हो रही है अगर हम प्रीवियसली देखें तो प्रीवियसली स्पेशली इस परपज़ के लिए जो है वो एनर्जी कम यूज़ होती थी तो एनर्जी ज़्यादा रिक्वायरमेंट का मतलब क्या होगा कि अल्टीमेटली रिसोर्स जो है वो डिप्लीट होंगे ज़्यादा जो है वो ओवर यूज़ होंगे ओवर एक्सप्लोरेशन ऑफ फॉसल फ्यूल्स फॉसल फ्यूल्स की ओवर एक्सप्लाटेशन कैसे हो रही है इंक्रीज ह्यूमन पॉपुलेशन मीन मोर फॉसल फ्यूल्स आर रिक्वायर्ड तो अब फॉसल फ्यूल्स जो है दे आर प्रेजेंट इन स्पेसिफिक अमाउंट इन द अर्थ तो जब वो ज्यादा यूटिलाइज होंगे तो अल्टीमेटली एक स्टेज आएगी कि इट विल बी डिप्लीटेड तो ये रिसोर्स जो है वो सारे का सारा डिप्लीट हो जाएगा मिनरल्स मेटल्स और नॉन मेटल आयरन गोल्ड कॉपर फासफोर्स ये जितने मिनरल्स हैं दे आर प्रेजेंट इन स्पेसिफिक अमाउंट तो वैन दे आर ओवर एक्सप्लाइटेड तो आहिस्त था ये क्या हो जाएंगे डिप्लीट हो जाएंगे ख़त्म हो जाएंगे एयर एयर डिप्लीट कैसे करेगी अब हम तो कहते हैं जी हम तो सांस लेकर सांस ले रहे हैं एयर तो डिप्लीट नहीं होनी चाहिए एयर डिप्लीशन से मुराद है इसकी जो है वो क्वालिटी जो है वो डैमेज हो रही है इट इज़ द नेचुरल एयर जो उसकी क्वालिटी इज बीइंग डैमेज जो एयर है वो इतनी टॉक्सिक हो रही है इतनी जो है पोल्यूटेड हो रही है इट मे आ स्टेज मे कम वेन दिस एयर विल नो मोर बी यूजफुल फॉर ह्यूमन तो ये कहते हैं कि हो सकता है एक स्टेज वो आए कि ह्यूमन को सर्वाइव करने के लिए बाकायदा मास्क इस्तेमाल करें करने पड़े जिस तरह से हम फॉग के दिनों में या अगर हम बहुत किसी टॉक्सिक एरिया से यानी कि जहाँ एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा तो मास्क हम पहनते हैं हो सकता है फ्यूचर में जिस तरह से जिस रेपिडली ये पोल्यूशन हो रही है कि नॉर्मल लाइफ गुजारने के लिए भी हमें मास्क पहनना पड़ जाए तो दिस इज़ द मेजर थिंग तो वाटर पोल्यूशन वाटर डिप्लीट होने का मतलब ये है कि वाटर जो है उसको या तो बहुत ज़्यादा पोल्यूट कर दिया गया है पोल्यू वाटर पोल्यूशन की वजह से जो है वाटर यूजेबल नहीं रहा ग्राउंड वाटर जो उसको उतना ज़्यादा जो है वो यूटिलाइज किया कि वाटर टेबल अल्टीमेटली जो है वो नीचे जा रहा है तो दीज आर दी थिंक जो इसकी वजह से जो है वा, वो वाटर रिसोर्स जो है वो डिप्लीट कर रहे हैं सॉइल बायोडाइवर्सिटी लॉस क्योंकि हम ह्यूमन जो है इट इज़ एक्चुअली यूटिलाइजिंग द नेचुरल रिसोर्सेज तो हैबिटेट लॉस होने से अल्टीमेटली बायोडाइवर्सिटी जो है वो डिप्लीट करती जा रही है